पलक झपकते ही हवा से बातें, मगर इंजन नदारद। कुछ ऐसी ही अदा से दौड़ने वाली है भारत की पटरियों पर भारत की ही खुद की बनाई रेल। ट्रेन 18 ये नाम है उस दमदार रेलगाड़ी का, जिसे मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है और जो जल्द ट्रैक पर दौड़ने को बेताब है। ये ट्रेन जल्द देश की शताब्दी ट्रेनों को रिप्लेस कर देगी, क्योंकि चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसे बनाकर तैयार कर दिया है। जल्द उत्तर रेलवे इसका ट्रायल भी शुरू करने वाला है। ये ट्रायल दिल्ली भोपाल रूट पर होगा। इसी रूट पर देश की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। इसी को मद्देनजर ये ट्रायल भी इसी रूट पर किया जाएगा, क्योंकि ट्रेन 18 को भी हवा से बातें करने का शौक है। इसका दूसरा ट्रायल मुंबई अहमदाबाद रूट पर होगा और फिर नए साल पर यानी जनवरी 2019 में ये तोहफा मोदी सरकार देश को दे दी। ये ट्रेन भारत की पटरियों पर दौड़ने वाली दूसरी ट्रेनों से बिल्कुल अलग होगी। इसकी अधिकतम स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी ये देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन जाएगी। ये पूरी तरह से एयर कंडीशनर होगी और इसके कोच एक दूसरे से जुड़े होंगे। स्टेनलेस स्टील की बॉडी वाली इस ट्रेन में वाईफाई, एलईडी लाइट, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके दोनों तरफ एक ही बड़ी सी खिड़की होगी। तो ये है मेक इन इंडिया का एक और कमाल और मोदी सरकार का धमाल।